दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि जापान के पास एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे यूज करके हम 100 साल तक जी सकते हैं, एक हेल्दी और बिना स्ट्रेस की लाइफ जी सकते हैं, एक प्रोडक्टिव लाइफ जी सकते हैं, इवन 80 से 90 साल में भी हम एक्टिव रह सकते हैं। अब हमें लगेगा कि ये तो झूठ लग रहा है, लेकिन जापान में एक जगह है ओकिनावा, जहाँ पर लोग पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा साल जीते हैं, सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। इसे कई लोग लैंड ऑफ इमॉर्टल्स भी बुलाते हैं, यानी जो कभी ना मरते हों। ये सारे एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं और आज इस वीडियो में हम इसी फॉर्मूले को सीखेंगे। इस टेक्निक को जापानीज इकीगाय बुलाते हैं, जिसमें इकी का मतलब है जिंदगी और गाय का मतलब है वैल्यू यानी कीमत, यानी इकीगाय का मतलब हुआ जिंदगी की कीमत। इन शॉर्ट, जापानीज मानते हैं कि हम सब किसी खास मकसद के लिए ही इस दुनिया में आए हैं और ये मकसद हमारा इकीगाय है। अगर हम अपने इकीगाय के अलावा कुछ भी करते हैं तो हम लाइफ में हमेशा दुखी रहेंगे और स्ट्रेस में रहेंगे और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम जापानीज फॉर्मूले को यूज करके अपने इकीगाय का पता लगा सकते हैं। इस फॉर्मूले में 4 चीजें हैं और जब तक हम इन चारों चीजों को ढूंढ नहीं लेते, हम अपने इकीगाय को अचीव नहीं कर सकते। इकीगाय का सबसे पहला पार्ट कहता है कि हमें पता करना होगा कि हम किस चीज को प्यार करते हैं। हमारी जिंदगी में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें खुशी देती हैं, ऐसी चीजें जिन्हें अगर हम सोचने भी लग जाएं तो हम बाकी कामों को भूल जाते हैं। कई बुक्स में या APJ अब्दुल कलाम सर इसे फ्लो स्टेट कहते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, रीडिंग, राइटिंग, एक्टिंग, डांसिंग, ट्रैवलिंग। इकीगाय के इस पहले पार्ट को ढूंढना तो आसान है क्योंकि ये एक पॉजिटिव फीलिंग देता है। अगर किसी काम को करके अच्छा लग रहा है तो वो काम आपका इकीगाय बन सकता है। लेकिन इकीगाय अचीव करने के लिए हमें इसका दूसरा पार्ट भी समझना होगा, जो कहता है कि आपका इकीगाय ऐसा होना चाहिए जिसकी जरूरत दुनिया को भी हो। यानी जो आपको पसंद है, क्या वो चीज दुनिया को भी चाहिए या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बिजनेस बुक्स पढ़ना पसंद है, तो ये मेरा इकीगाय बन सकता है क्योंकि ये इकीगाय के सेकंड कंपोनेंट को भी सेटिस्फाई करता है और वो ये है कि बाकी लोगों को भी बिजनेस के बारे में जानना पसंद है। लेकिन मान लीजिए आपको सोना पसंद है, तो इससे इकीगाय का फर्स्ट कंपोनेंट सेटिस्फाई होता है, लेकिन आपके सोने से दुनिया को कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। इसलिए इकीगाय का सेकंड कंपोनेंट सेटिस्फाई नहीं होता और सोना आपका इकीगाय नहीं है। हमें ये समझना है कि हर स्किल इक्वल नहीं है और इसीलिए हम हर स्किल को इक्वल टाइम भी नहीं डिवोट कर सकते। हमें ऐसे स्किल ढूंढनी है जो हमें पसंद हो, लेकिन साथ में दुनिया की नजरों में वो वैल्यूएबल भी हो। अगर आपको अपनी लाइफ में ये दो कंपोनेंट मिल जाते हैं तो कांग्रेचुलेशंस, आप अपने इकीगाय को ढूंढने के काफी करीब पहुंच गए हैं। लेकिन अब इकीगाय का थर्ड कंपोनेंट आता है जो बोलता है कि हमें हमारे इकीगाय से ही अच्छी इनकम होनी चाहिए। अब हम में से कई लोग बोलेंगे कि हमें खुश होने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन ये 100 साल से भी पुराना जापानीज फॉर्मूला इकीगाय बोलता है कि अगर हमारे पास इस स्किल से पैसे नहीं आ रहे हैं तो हम अपना मैक्सिमम टाइम इस टेंशन में ही गुजारते रहेंगे कि किस तरह हम अपने खाने, रेंट, कपड़ों के लिए पैसे लाएंगे और किस तरह हम अपनी फैमिली को फाइनेंशियली स्टेबल रख पाएंगे। इसलिए अगर हम ट्रूली हैप्पी होना चाहते हैं और एक बिना स्ट्रेस के लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो हमें इनकम हमारे इकीगाय से ही आनी चाहिए। अपने इकीगाय को अचीव करने के लिए फोर्थ कंपोनेंट कहता है कि हम अपने इकीगाय में बहुत अच्छे होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, ये इसके लोगों को भी बहुत पसंद है, इसके लिए आपको पैसे भी मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप क्रिकेट खेलने में अच्छे नहीं हैं तो ये आपका इकीगाय नहीं है। लेकिन ये सचिन तेंदुलकर का इकीगाय है क्योंकि उन्हें 1 क्रिकेट पसंद है, 2 ये इसके लोगों को पसंद है, 3 उनको अपने इकीगाय की वजह से ही पैसे मिल रहे हैं और 4 वो इस स्किल में इतना टाइम दे चुके हैं कि वो इसमें बहुत अच्छे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बचपन से ही इस स्किल के साथ अच्छे पैदा हुए हों। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम इसमें सफिशियंट टाइम दें ताकि हम इस स्किल में अच्छे हो जाएं। स्टार्टिंग में कई लोगों को आफ्टर जॉब अपने इकीगाय के लिए टाइम निकालना पड़ सकता है और जब हमें हमारे इकीगाय से डिसेंट अमाउंट ऑफ इनकम आ रही हो तो हम अपने बोरिंग जॉब को छोड़ सकते हैं और अपने इकीगाय को फुल टाइम कर सकते हैं और ये होगी स्टेट ऑफ निर्वाणा, जहां पर आप सबसे ज्यादा खुश होंगे और एक लंबी, हेल्दी और बिना स्ट्रेस वाली लाइफ जिएंगे। अगर हम इस इकीगाय के चार्ट को देखें तो हम बता सकते हैं कि इस समय हम अपनी लाइफ में कहां पे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास इकीगाय के फर्स्ट और फोर्थ कंपोनेंट है, यानी आपको कोई चीज पसंद है और लकीली आप उस चीज में अच्छे भी हैं, तो वो आपका पैशन है लेकिन इकीगाय नहीं। फॉर एग्जांपल, ये वो लोग हैं जिन्हें डांसिंग या सिंगिंग पसंद है, ये इसमें अच्छे भी हैं लेकिन अभी तक इन्हें कोई ऐसा मेथड नहीं मिला है जिससे ये अपने लिए कंसिस्टेंट अच्छी इनकम प्रोड्यूस कर पाए। अगर हम भी इस कैटेगरी में आते हैं तो हमें अपनी मार्केटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा कि किस
तरह हम अपनी स्किल से ही एक अच्छी इनकम जनरेट कर सके। हम अपनी फील्ड में ऑलरेडी सक्सेसफुल लोगों को भी देख सकते हैं कि जब वो हमारी पोजीशन में थे तो उन्होंने क्या किया था और उनके स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर हमारे पास इकिगाय का फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट है, यानी हम कोई स्किल पसंद करते हैं और दुनिया को भी उस स्किल की जरूरत है, तो वो हमारा मिशन है। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो वर्ल्ड में चेंज लाना चाहते हैं, जैसे कि कोई एनजीओ के लोग, कोई एक्टिविस्ट या कोई ब्लॉगर एक्सेट्रा। ये लोग दुनिया में चेंज तो लाना चाहते हैं, लेकिन अभी ये अपनी स्किल में बहुत अच्छे नहीं हुए हैं, इसलिए इन लोगों को इन्फ्लुएंस और पर्सुएजन की टेक्निक सीखनी चाहिए ताकि ये लोगों को कन्विंस कर सके कि उनके आइडिया से एक्चुअल में दुनिया में एक पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता है कि अगर इंडिया में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स बन जाए जो कि जियो के बाद ऑनलाइन वर्ल्ड में इंडिया के लिए बहुत आसान है, तो इंडिया चाइना से डेवलपमेंट में आगे निकल सकता है। तो ये मेरा मिशन है, लेकिन ये इकिगाय नहीं है, क्योंकि मुझे अभी दुनिया को कन्विंस करना पड़ेगा कि ये चीज एक्चुअल में पॉसिबल है। अगर हमारे पास इकिगाय के थर्ड और फोर्थ कंपोनेंट है, यानी हम किसी स्किल में अच्छे हैं और उसके लिए हमें पैसे भी मिल रहे हैं, तो ये हमारा प्रोफेशन है, ना कि इकिगाय। ये इसलिए है कि हो सकता है कि आपने जबरदस्ती घर वालों के कहने पर कोई प्रोफेशन चूज कर लिया हो, उसमें आपने टाइम भी दिया और अच्छे भी हो गए, जिसकी वजह से आपको जॉब मिल गई और एक अच्छी खासी सैलरी भी मिल रही है। लेकिन उस 9 to 5 जॉब में आप हर रोज बोर होते हैं और आप खुश इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि आपको अपना काम ही पसंद नहीं है, और ना ही आपके जॉब छोड़ने से दुनिया में किसी को फर्क पड़ने वाला है। अगर हम इस कैटेगरी में आते हैं तो आफ्टर जॉब हमें नई नई चीजें ट्राई करनी पड़ेगी ताकि हम ये फाइंड कर सके कि हमें क्या चीज पसंद है और क्या वो चीज हमारी इकिगाय है। अगर हमारे पास इकिगाय के सेकंड और थर्ड कंपोनेंट है, यानी हमें किसी चीज के लिए सैलरी भी मिलती है और दुनिया को उस स्किल की जरूरत भी है, तो ये हमारा वोकेशन है। इस कैटेगरी में टीचर्स और प्रोफेसर्स आते हैं जिन्हें इस काम के लिए सैलरी भी मिलती है, लेकिन वो एक ही सब्जेक्ट को 10 सालों से पढ़ा पढ़ा के थक गए हैं। अगर हम इस सिचुएशन में हैं, तो हमें खुद को हमेशा चैलेंज करना पड़ेगा ताकि हम बोर ना हो और हमेशा अपने को इम्प्रूव करने के मोड में रहें। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में देखा कि अगर हम एक बिना स्ट्रेस की लॉन्ग और प्रोडक्टिव लाइफ जीना चाहते हैं, तो हमें अपना इकिगाय ढूंढना ही पड़ेगा। हमारा इकिगाय वो चीज है जो इन चार कंडीशंस को फॉलो करे। पहली, वो ऐसी चीज होनी चाहिए जो हमें पसंद हो। सेकंड, दुनिया को इस स्किल की जरूरत हो। थर्ड, उस स्किल से हम एटलीस्ट एक डिसेंट इनकम कमा सके। और फोर्थ, उस स्किल में हम मैक्सिमम लोगों से अच्छे हों। अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग है तो वो हमारा इकिगाय नहीं है। तो आइए हम उन सक्सेसफुल लोगों के रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ खुशी से बिताई है क्योंकि उनको उनका इकिगाय मिल गया था। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे हीरो मिस्टर APJ अब्दुल कलाम सर की, कि क्या उन्होंने अपनी लाइफ में अपना इकिगाय पा लिया था। तो द आंसर इज यस। कलाम सर एक एरोस्पेस साइंटिस्ट थे जिन्हें टेक्नोलॉजी से प्यार था, तो इकिगाय का कंपोनेंट नंबर 1, क्या उन्हें इंजीनियरिंग पसंद थी? यस। और ये हमें इसलिए पता है क्योंकि उन्होंने अपनी बुक विंग्स ऑफ फायर में लिखा है कि मैं अपने काम में इतना खो जाता था कि पूरा दिन कब निकल जाता था मुझे पता ही नहीं लगता था। इस स्टेट ऑफ माइंड को मिहाय चिक्सिनमिहाय ने अपनी बुक फ्लो में फ्लो कहा है, यानी आप अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि आप उसी काम का एक पार्ट बन जाते हैं। इकिगाय का कंपोनेंट सेकंड, क्या कलाम सर की स्किल की दुनिया को जरूरत थी? दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन इंडिया को थी। हमारे देश को मिसाइल टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत थी। आज जो हम मार्स तक पहुंच गए हैं और बहुत प्राउड फील करते हैं, वो इसलिए है क्योंकि कलाम सर ने इस टेक्नोलॉजी को काफी इम्प्रूव कर दिया था। इकिगाय का कंपोनेंट नंबर 3, क्या कलाम सर को उनके इकिगाय से एक डिसेंट इनकम हो रही थी? तो इसका आंसर भी है यस। कलाम सर DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके थे, इसीलिए उन्हें एक डिसेंट इनकम मिलती थी। ऑब्वियसली वो पैसों से मोटिवेटेड नहीं थे और सिर्फ अपने काम से मोटिवेटेड थे, बट इकिगाय के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें अपनी इनकम अपने इकिगाय से ही होनी चाहिए क्योंकि तभी हमें अपने बेसिक नीड्स के लिए कोई और काम नहीं करना पड़ेगा। इकिगाय का कॉम्पोनेंट नंबर 4, क्या कलाम सर स्किल में अच्छे थे? कलाम सर इस स्किल को इतना टाइम दे चुके थे कि वो स्किल में इतने अच्छे हो गए थे कि हम उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बुलाते हैं। और कलाम सर को प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया था इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का, जिसने रोहिणी सैटेलाइट को जुलाई 1980 में सक्सेसफुली नियर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया था। तो दोस्तों, आई होप इस वीडियो में दिए गए चार्ट से हम अपने इकिगाय को ढूंढ पाएंगे और एक लॉन्ग प्रोडक्टिव हैप्पी और एक स्ट्रेसफुल लाइफ जी पाएंगे। दोस्तों, इस बुक में और भी काफी इंटरेस्टिंग टिप्स दिए गए हैं। अगर आप ये पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद सकते हैं। आप दो फुल बुक्स को भी फ्री में सुन सकते हैं, जिसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
दोस्तों, अगर आप फ्री में हिंदी ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप हमारी गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप फेमस बुक सुन सकते हैं जैसे कि द मिरेकल मॉर्निंग, यू कैन एंड यू विल, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ई मिथ रिविजिटेड, 0 to 1, चाणक्य नीति, द वन थिंग, पावर ऑफ हैबिट, विंग्स ऑफ फायर, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी एंड मैनी मोर। और हर हफ्ते इस ऐप में हम एक नई ऑडियो बुक समरी डालते हैं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े।